ब्रॉक लेस्नर की रिटर्न सिर्फ WWE टाइटल पिक्चर को नहीं बल्कि पूरे रॉ को काफी कमाल का बना सकती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी तरह काफी सारे लोग जरूर से ब्रॉक लेस्नर की WWE रिटर्न का वेट कर रहे होंगे। एंड भाई रिसेंटली WWE ने भी इस बात को टीज कर दी है कि रेसलमेनिया 37 के अंदर ब्रॉक लेस्नर का एक WWE चैंपियनशिप का मैच होगा। किस तरीके से WWE ने इस बात को टीज किया, अगर आपको उसके बारे में जानना आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हम लोग सिजारो के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि ने भी बताया कि वो किसका फेस करना चाहेंगे रेसलमेनिया 37 में। इस हफ्ते क्या आई NXT वर्सेस AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप, आस्का का भी रेसलमेनिया 37 का जो अपोनेंट है वो रिवील हो चुका है। रोमन रेंज ने भी अपने लुकीमिया के रीमिशन वाली जो एनिवर्सरी है वो की है सेलिब्रेट। तो भाई ये कुछ अपडेट्स कमाल की हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी और आपको डेफिनेटली वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक जो मेरा गेमिंग चैनल है वो चेकआउट नहीं किया है तो भाई जाकर चेकआउट कर लो। आज उस चैनल के ऊपर स्मैकडाउन वर्सेस रॉ जो 2011 है उसका रोड टू रेसलमेनिया की स्टोरी मोड वाली पूरी सीरीज आने वाली है, आपको काफी मजा आने वाला। आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि इस बार इस हफ्ते NXT वर्सेस AEW डायनामाइट की रेटिंग्स के बारे में जुड़ी है। मेरे हिसाब से तो दोनों शोज थे भाई अपनी जगह पे बहुत कमाल के शो थे। NXT की जो एंडिंग थी वो थोड़ी मेरे लिए और शॉकिंग थी क्योंकि भाई वहां पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो काइल ओरायली हैं वो सिर्फ बेबी फेस बन गए हैं, बाकी जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है एडम कोल है वो एक साथ ही रहेंगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं और एडम कोल ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर भी हमला कर दिया। तो चलो अब रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते जो ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन की रेटिंग आई है वो आई है 831,000 व्यूवरशिप, और अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो भाई पिछले हफ्ते रेटिंग आई थी 747,000 व्यूवरशिप। और वहीं अगर बात करें NXT के बारे में तो भाई NXT की भी इस हफ्ते जो व्यूवरशिप है उसमें एक अच्छा उछाल आया है। यहाँ पर रेटिंग्स आई है 734,000 व्यूवरशिप और पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स आई थी वो आई थी 713,000 व्यूवरशिप। दोनों शोज कहीं ना कहीं अपनी जगह पे अच्छे थे, जो दोनों शोज की रेटिंग्स है वो डिजर्व करते हैं। और एक बार फिर इस हफ्ते जो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन या फिर कह लो AEW डायनामाइट है उसमें NXT के वीकली एपिसोड को हरा दिया है। लेकिन अब हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार जुड़ी है करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का के बारे में। और WWE प्लान कर रही है आस्का का एक बहुत ही बड़ा मैच रेसलमेनिया 37 के अंदर। आस्का मेरे हिसाब से अगर मैं रॉ की बात करूं तो भाई वुमेन्स डिवीजन को काफी अच्छी तरीके से संभाल रही है, वो बहुत बेहतरीन रॉ वुमेन्स चैंपियन भी है। हमने देखा रिसेंट जो रॉ का एपिसोड था वहां पर दिखाई कुछ ऐसे दिया कि जो शार्लट फेयर एंड आस्का है अब वो एज ए टैग टीम वर्क नहीं कर पा रही है और अब जो शार्लट फेयर है उन्हें एक सिंगल कैरियर परस्यू एक बार फिर करना है। तो यहां पर ऐसे केजी साइट्स की तरफ से रिपोर्ट आती है सामने कि अभी फिलहाल जो WWE है वो आस्का वर्सेस शार्लट फेयर का एक रीमैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया में। आपको याद होगा एक बार रेसलमेनिया के अंदर आई थिंक वो रेसलमेनिया 34 था जहां पर आस्का ने रॉयल रंबल जीता, उन्होंने शार्लट फेयर का फेस किया था और एक तरह का ये मैच था कि भाई शार्लट फेयर को कौन हराएगा और क्या जो आस्का है वो न्यू चैंपियन बन पाएंगी या फिर नहीं। उनकी जो मेन रोस्टर की स्ट्रीक थी उस टाइम वो भी कंटिन्यू थी और आस्का की जो विनिंग स्ट्रीक है वो शार्लट फेयर ने उस रेसलमेनिया के शो के अंदर तोड़ी थी। तो एक तरह का उसका जो रीमैच है WWE इस साल प्लान कर रही है रेसलमेनिया 37 के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से एक और ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है। जिन लोगों को भाई पता होगा रेसलमेनिया 34 वाला मैच कैसा गया था तो जरूर से आप लोग एक्साइटेड होंगे शार्लट फेयर वर्सेस आस्का के रेसलमेनिया रीमैच के लिए जो कि मे बी इस साल भी पॉसिबल होने वाला है। और देखते हैं फास्ट लेन में इन दोनों का फ्यूड हमें किस तरीके से दिखाई देता है अगली अपडेट के बारे में। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इस बार स्विस साइबॉर्ग सिजारो के बारे में जुड़ी है। और भाई सिजारो ने भी रिसेंटली ये बात रिवील कर दी है कि वो किसका फेस करना चाहेंगे रेसलमेनिया 37 में, क्योंकि फाइनली WWE जो फैंस की बात है वो सुन रही है। सिजारो जो कि WWE के मोस्ट अंडर रेटेड सुपरस्टार हैं, उनके कमाल एंड धमाल की परफॉर्मेंस आती है एलिमिनेशन चैम्बर में। तो रिसेंटली सिजारो का एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये बात पूछी जाती है कि भैया आप किसका फेस करना चाहोगे रेसलमेनिया में। सिजारो कहते हैं हमारा जो भी फिलहाल WWE का पूरा रोस्टर है उसके अंदर काफी सारे टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और अगर उन टैलेंटेड सुपरस्टार में से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है एक रेसलमेनिया के अंदर मैच लड़ने की तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। यानी कि अगर सिजारो को सिर्फ एक मैच ही मिल जाए वो उनके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और सिजारो कह रहे हैं मैं यहाँ पर कोई टैग टीम एक्शन नहीं बल्कि एक सिंगल्स मैच में रेसल करना चाहूंगा। वो यहाँ पर काफी सारे अपोनेंट्स के नाम लेते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर मैं बिगी का फेस करना चाहूंगा। अगर बिगी की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन रहती है रेसलमेनिया 37 के अंदर, या फिर मैं सेथ रॉलिंस का भी फेस करना चाहूंगा। और रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो हुआ था वहां
जहाँ पर मैंने और सेथ रॉलिंस ने थोड़ा सा काम भी किया था, काम करने का इन द सेंस इनकी थोड़ी सी हमें जो स्टोरी लाइन टाइप आप कह सकते हो वो भी दिखाई दी थी। तो यहाँ पर सिज़ारो कहते हैं इन दोनों में से अगर किसी सुपरस्टार के खिलाफ मुझे मैच मिलता है रेसलमेनिया में तो मैं काफ़ी खुश रहूँगा। और सिज़ारो यहाँ पर ये बात होप करते हैं कि काश उन्हें एक सिंगल्स मैच ही मिले। तो भाई आपके हिसाब से सिज़ारो को किसका फेस करना चाहिए रेसलमेनिया में, वो सेथ रॉलिंस होंगे या फिर बिगी होने चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए? मेरी मानो तो भाई ट्रिपल थ्रेट मैच करवा दो, बिगी वर्सेस सिज़ारो वर्सेस सेथ रॉलिंस, मैच एकदम ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। और अगर लैडर मैच करवा दोगे तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब हम लोग आज की हमारी अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और भाई रोमन रेंस भी अपनी ल्यूकेमिया की जो एनिवर्सरी है रिमिशन वाली वो कर रहे हैं सेलिब्रेट। आप सभी को यह बात तो याद होगी जो भाई रोमन रेंस 2019 के अंदर WWE से बहुत ही लंबे टाइम के लिए बाहर रहे थे। एक्चुअली में यहाँ पर रोमन रेंस ने ल्यूकेमिया की जो अपनी अनाउंसमेंट है वो की थी। और आपको बता दो एग्जैक्ट 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी को एक बार फिर से जो रॉक एपिसोड होता है वहां पर रोमन रेंस ने यह बात अनाउंस की थी कि अभी फिलहाल वो रीमिशन के अंदर है। रीमिशन का मतलब कि उन्होंने ल्यूकेमिया को हरा कर रख दिया है। तो इसको लेकर भाई आज जब वही सेम दिन आया इंडिया के अंदर 26 तारीख रहती है उस दिन, तो इसीलिए जो रोमन रेंस है ट्वीट करते अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए, उनका ट्वीट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। यहां पर रोमन रेंस लिखते हैं वेक मी अप गॉड एंड आई विल हैंडल द रेस्ट #believeinfight। इसका मतलब ये कि भगवान तुम सिर्फ मुझे थोड़ा सा उठा के रखो, बाकी जो पूरी लड़ाई है वो मैं खुद लड़ना चाहूंगा, सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। और रोमन रेंस फाइट के अंदर ही विश्वास रखते हैं। और भाई जब रोमन रेंस ने अपनी ल्यूकेमिया वाली जो अनाउंसमेंट की थी ना, उससे सिर्फ WWE के फैंस ही नहीं बाकी पूरे जो रेसलिंग के फैंस है वो शॉक हो गए थे कि भाई जो रोमन रेंस इतने फिट एंड फाइन है उन्हें किस तरीके से ल्यूकेमिया जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने उन सारी चीज़ों का ओवरकम किया था और रोमन रेंस अभी फिलहाल WWE के ट्राइबल चीफ हैं। एंड होप ये करूंगा कभी भी किसी सुपरस्टार की कैरियर में ऐसा मोमेंट ना आए कि भाई जब उसे इतनी खौफनाक टाइप अनाउंसमेंट आप कह सकते हो करनी पड़े। एंड रोमन रेंस तो भी फिलहाल ट्राइबल चीफ है, वो आराम से स्मैकडाउन को भी कर रहे हैं हैंडल। लेकिन अब हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार जुड़ी है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और हाँ भाई आज की फाइनल अपडेट है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और भाई ब्रॉक लेसनर का होने वाला है रेसलमेनिया 37 के अंदर मैच, ये बात रिसेंटली ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अब देखो आप ये जो जानते हो कि जो WWE का आफ्टर द बेल वाला ब्रॉडकास्ट है वो हमें कोरी ग्रीव्स होस्ट करते हुए नजर आते हैं। और जो आफ्टर द बेल ब्रॉडकास्ट के ऊपर कुछ बातें होती हैं ना वो भी स्क्रिप्टेड रहती हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई कोरी ग्रीव्स के मन में आया कि आज मैं जॉन मॉक्सली के बारे में बात करूंगा तो वो जॉन मॉक्सली के बारे में बात करने लग गए, ऐसा नहीं है। दो यहां पर रिसेंटली जो आफ्टर द बेल वाला ब्रॉडकास्ट होता है वहां पर कोरी ग्रीव्स के साथ साथ 205 लाइव के कॉमेंटेटर विक जोसेफ हमें आते हुए नजर आते हैं। और यहां पर ये लोग बातचीत करते हैं बॉबी लैशली के रेसलमेनिया 37 मैच के बारे में कि मान लो अगर आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर या फिर फास्ट लेन में बॉबी लैशली न्यू चैंपियन बन जाते हैं तो भाई वो रेसलमेनिया में हमें किसका फेस करते हुए नजर आएंगे। तो भाई यहां पर विक जोसेफ कहते हैं कि शायद उनके हिसाब से वो सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। कोरी ग्रेव्स भी इस चीज में हामी भरते हैं और वो कहते हैं हां भाई लेसनर रिटर्न करेगा एक बार फिर एंड वो बॉबी लैशली के साथ एक ड्रीम मैच में फेस करने वाला है। और भाई ये सारी चीजें आफ्टर द बेल ब्रॉडकास्ट के ऊपर होती हैं। रिंग साइड न्यूज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आती है निकलकर सामने एंड उनके अकॉर्डिंग बैक स्टेज के ऊपर भी फिलहाल WWE ये बात डिस्कस कर रही है कि ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 37 के अंदर WWE टाइटल मैच एक सिंगल्स मैच रखा जाए या फिर उसे ट्रिपल थ्रेड मैच बना दिया जाए। कुल मिलाकर रिंग साइड न्यूज भी ये बात अब कंफर्म कर रहा है कि भाई रेसलमेनिया के अंदर WWE टाइटल पिक्चर के अंदर ब्रॉक लेसनर जरूर होंगे। आफ्टर द बेल वाले ब्रॉडकास्ट के ऊपर जब इतनी बातें हो चुकी हैं लेसनर के बारे में, इसे देखने में ये लगता है कि WWE जरूर इंटरेस्टेड है कि वो ब्रॉक लेसनर को एक WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर रेसलमेनिया में कम्पीट करवाए। जो सारे साइंस है वो एकदम परफेक्ट है लेसनर के रिटर्न के लिए और आई थिंक लेसनर के जो फैंस हैं उनको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा और रेसलमेनिया के अंदर उनका फॉर श्योर एक WWE चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। और भाई इस न्यूज़ को सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी मज़ा आया कि भाई आफ्टर द बेल चलो ब्रॉडकास्ट के ऊपर कुछ तो बातें हुई ब्रॉक लेसनर को लेकर। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में जब बॉबी लैशली चैंपियन बनते हैं तो किस तरीके से सारी स्टोरी लाइन हमें दिखाई देती है आगे। ड्रू मैकइंटायर इस टाइटल पिक्चर में एंटर होते हैं या फिर नहीं, ये भी जरूर से एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी आपके हिसाब से अगर लेसनर वर्सेस लैशली वर्सेस मैकइंटायर के बीच होगा रेसलमेनिया मैच, उनमें से कौन सा विनर होने वाला है नीचे मुझे कॉमेंट के अंदर आप लोग जरूर बता सकते हो। एंड भाई जो आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो
एंड भाई प्रेस कर दो नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे अगली वीडियो के अंदर। बाकी मैं आप सभी से काफी जल्दी मिलता हूँ आके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।